पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव को लखनऊ स्थित उनके आवास पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, पर वो सुबह पुलिस को चकमा देकर लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए। वहीं उन्होंने प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों से जिला मुख्यालय पर धरना देने और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपने का निर्देश दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दावा है सलमान खुर्शीद और प्रमोद तिवारी को भी नजरबंद किया गया। बता दें कि लखीमपुर खीरी की घटना के बाद प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रात को ही लखीमपुर खीरी के लिए निकल पड़ी। पहले उन्हें लखनऊ में रोका गया और फिर सीतापुर में हिरासत में लिया गया। पुलिस प्रशासन किसी को भी लखीमपुर खीरी नहीं जाने दे रहा।